दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बोलता हुआ नजर आने वाला है सौर्य कि ये शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो पहले से ही जो कि एक दूसरे को लेकर संबंध है। जी हाँ, क्योंकि पलकी और राजवीर पर सवाल उठा दिए हैं इस समय सौर्य ने, और सौर्य का मकसद ये था कि किसी भी तरीका से मैं इन दोनों कि एक दूसरे से शादी तोड़वा दूं और राजवीर को इनके बीच में बदनाम कर दूं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजवीर इस समय क्यों कर रहा है ये सब कुछ, क्योंकि राजवीर ने बोल दिया है कि मैं इसलिए तुमसे शांत रहने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि पलकी ऐसी लड़की नहीं है, तुम पलकी को क्यों बदनाम कर रहे हो। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाली कहानी वाकई में एक नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली हैं। बात की जाए इस समय की बड़ी खबर की, तो इस समय की बड़ी खबर मिल रही है कि राजवीर और सौर्य की अब एक दूसरे के साथ में मारपीट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मारपीट की एक वजह नहीं है बल्कि इस समय कई वजह सामने देखने को मिलने वाली हैं। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं चिंतित नज़र आ रहे हैं, और सभी लोगों का चिंता करने का मेन मोटिव भी क्या है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी एक बार फिर से नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है, जब आप लोग देख पाएंगे कि इधर प्रीता बोलती हुई नजर आने वाली है आखिरकार सौर्य से कि सौर्य जो तुम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत है, किसी भी लड़की के ऊपर इतना तगड़ा आरोप नहीं लगाना चाहिए तुम्हें। हालांकि दोस्तों इस समय प्रीता तो बहुत ज़्यादा समझाती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि प्रीता ने सोचा है कि किसी लड़की का घर ना बिगड़े। लेकिन दोस्तों इधर पलकी खुश भी है, क्योंकि दोस्तों पलकी वाकई में प्यार करती थी इस समय जो कि राजवीर से, और उसे लग रहा अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली कुछ तो ऐसा हुआ सही कि जो वाकई में सही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।